friends, my name is Nargis Gupta. In last video, we have discussed about the computer fundamental and programming logics questions based on a CoCubes exam. In this video, we will discuss another 10 questions based on a previous year's CoCube exam. So first question is, what will be the output of the following pseudo code statement? हमें ये बताना है कि हमारे पास ये एक pseudo code statement लिखी हुई है और इसका output क्या होगा? अब देखें यहाँ पे integer type में हमें given है integer a equals to 456, b c d equals to 10. मतलब सारे जितने भी variables हैं सारे के सारे integer type के हैं. सबसे पहले हम b equals to a divided by d इसको solve कर लेते हैं. तो b की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी. a की वैल्यू कितनी है? 456 डिवाइडेड बाय d कितना है आपका? 10. तो कितना हो गया यहां पे यदि इसको सॉल्व करेंगे तो 45.6. बट क्या गिवन है यहां पे? इंटीजर टाइप में. तो इंटीजर है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 45. नाउ उसके बाद में c की वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो c इक्वल्स टू a माइनस b. a की वैल्यू कितनी है? 456 माइनस b की वैल्यू कितनी निकली? 45. यदि इसको सॉल्व करेंगे तो 411 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. तो हमारे पास ऑप्शंस ये हैं, ये है, ये है. तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्लास डिफाइंड विद अनदर क्लास इज नेम्ड एज. देखिए एक क्लास के अंदर हम क्लास को डिफाइन कर रहे हैं तो वो क्या कहलाती है आपकी? नेस्टेड क्लास. बहुत सिंपल कुछ क्वेश्चंस कभी कभी CoCubes एग्जाम में पूछ लेते हैं. यदि आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप डेफिनेटली एग्जाम को इजिली क्रैक कर सकते हैं विद गुड नंबर ऑफ परसेंटेज. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज इन सी प्रोग्रामिंग एरे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम. देखिए एरे का इंडेक्स यदि मैं चाहूं तो मैं लूप के अंदर कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूं, किसी से भी स्टार्ट कर सकता हूं. बट यदि वो ऐसा क्वेश्चन कर दे कि इन सी प्रोग्रामिंग एरे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम, तो हमें बाय डिफॉल्ट वाली वैल्यूज को कंसिडर करना पड़ेगा. तो बाय डिफॉल्ट हम सी में एरे का जो इंडेक्स है उसे जीरो से स्टार्ट करते हैं. नाउ फोर्थ वन इज द फोर्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एक्स वाई जेड मेक्स द वेरिएबल गेट द वैल्यू 4 इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. देखिए ये थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे आपको टर्नरी वेरिएबल का नॉलेज होना चाहिए. यदि आपको टर्नरी का नॉलेज है मतलब ये क्वेश्चन मार्क का यदि ये आपने पढ़ा हुआ है तो आप इजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे हमारे पास में ये एक इक्वेशन गिवेन है. इस इक्वेशन में हमारे पास ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो वो ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा वेरिएबल होगा जिसकी वैल्यू 4 होगी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. तो 4 वैल्यू कौन किससे हमें मिलेगी तो ये सारे के सारे हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा. तो मैं सबसे पहले फर्स्ट वाले ऑप्शन को लेकर चलता हूँ. यदि फर्स्ट वाले ऑप्शन को लेकर चलूँ तो यहाँ पे मेरे पास में एक्स इक्वल्स टू 3 और वाई की वैल्यू यहाँ पे गिवन है मेरे को 4 और जेड की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2. ये है मेरे पास में, ये गिवन है मुझे. तो ये देखिए मैं एक्सप्रेशन लिखता हूं. सबसे पहले a इक्वल्स टू क्या गिवन है आपको? x यदि ग्रेटर है y से, ठीक है, x इज ग्रेटर देन y, तो कंडीशन क्या बनेगी? यदि देखिए टर्नरी ऑपरेटर क्या बोलता है, टर्नरी ऑपरेटर ये बोलता है यदि x ग्रेटर y से है और यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपकी ये वाली स्टेटमेंट कॉल होगी. मतलब यदि इफ ट्रू देन ये कॉल होगा, बाय चांस ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी कॉल होगी. ठीक है, तो हम देखते हैं अब हमारी कौन सी सही होगी. तो x की वैल्यू फर्स्ट वाले ऑप्शन में मेरे पास में कितनी है? 3. 3 क्या ग्रेटर देन है y? y की वैल्यू कितनी है? 4. सो 3 इज ग्रेटर देन 4, कंडीशन इज फॉल्स. यदि कंडीशन फॉल्स है मतलब आप किसको एग्जीक्यूट करेंगे? ये वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे. तो ये वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया तो y क्या ग्रेटर है z से? तो y है 4. क्या ग्रेटर है z से? मतलब 2 से क्या ग्रेटर है 4? यस, कंडीशन ट्रू. यदि कंडीशन ट्रू है तो इस टर्नरी ऑपरेटर के बाद में जस्ट जो होगा वो आपका आंसर होगा. तो टर्नरी ऑपरेटर के बाद में जस्ट क्या है? y. तो y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 4. तो इससे आप यदि देखेंगे तो आपको ये 4 मिल रहा है. ये तो ऑप्शन वन इज द करेक्ट ऑप्शन. बट मैं वेरीफाई कराने के लिए आपको ऑप्शन बी भी देख लेते हैं. हम एक्स की वैल्यू कितनी है? 6. 6 क्या ग्रेटर है 5 से? यस, कंडीशन ट्रू. यदि कंडीशन ट्रू तो ये वाली इक्वेशन एग्जीक्यूट होगी. तो एक्स की वैल्यू कितनी है?
एक्स है मेरा इस केस में 6, 6 क्या ग्रेटर है जेड से, यस कंडीशन ट्रू, तो कंडीशन ट्रू तो एक्स प्रिंट होगा, तो एक्स की वैल्यू आपके पास में कितनी है 6, तो इससे आपको 4 नहीं मिल रहा। ऐसे आप यदि चेक करेंगे सो किसी से भी 4 नहीं मिलेगा, सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द ओएसआई मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्रेशन एंड डीकंप्रेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पे ओएसआई लेयर्स की बात कर रहा है वो, सो ओएसआई लेयर्स में हमारे पास एक ऐसी लेयर जिसका काम है डेटा को कंप्रेस करना और डेटा को डीकंप्रेस करना, तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर का क्या काम है, डेटा को कंप्रेस करना और डीकंप्रेस करना। नाउ नेक्स्ट वन इज अपन मिक्सिंग टू इंडिपेंडेंट वन मेनी रिलेशनशिप, ठीक है, अपॉन मिक्सिंग टू इंडिपेंडेंट वन मेनी रिलेशनशिप्स डिपेंडेंसीज अराइज। देखिए तो इस केस में यदि हम देखें तो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी जो होती है, मल्टी वैल्यू, सो वो डिपेंडेंसी अराइज होती है यदि यदि हम दो इंडिपेंडेंट वन मेनी रिलेशनशिप को क्या कर देंगे, हम यदि हम मिक्स कर देंगे तो हम मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी अराइज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एल इज लेफ्ट नोड, देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, एल इज लेफ्ट नोड, एम इज मिडिल नोड, ठीक है, मतलब लेफ्ट मिडिल, मिडिल मतलब यहां पे वो बोल रहा है रूट नोड, और आर फोर राइट, लेफ्ट मिडिल एंड राइट नोड, देन एल एम आर ट्रैवर्सल कैन बी टर्म एज एन, देखिए लेफ्ट रूट और राइट, लेफ्ट रूट और पैरेंट और राइट, तो इस केस में आप क्या बोलते हो, आप बोलते हो सबसे पहले ट्रैवर्सिंग करें अपन, तो सबसे पहले यदि ये एल है, ठीक है, ये एम है, ये एल है और ये आर है, और मैं इसमें सबसे पहले इसको ट्रैवर्स करना चाहता हूँ, तो पहले लेफ्ट को ट्रैवर्स किया, फिर अपने पैरेंट और रूट को ट्रैवर्स किया, फिर राइट को, सो इसमें हम कब किस ऑर्डर में करते हैं, इन ऑर्डर के अंदर ये काम करते हैं जिसमें आपको एसेंडिंग ऑर्डर में डेटा मिलता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द पॉइंट दैट इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू स्टैक। देखिए ये थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंग रॉन्ग क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस के थ्रू अपन समझें कि बोल रहा है इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू स्टैक, स्टैक के रिस्पेक्ट में कौन सा ऑप्शन आपका ट्रू नहीं है। नॉट पॉसिबल टू इंसर्ट और रिमूव एलिमेंट एनी वेयर एक्सेप्ट द टॉप ऑफ द स्टैक, यस बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है, कि भाई स्टैक के अंदर जब अपन इंसर्शन और डिलीशन परफॉर्म करते हैं तो वो एक ही एंड से करते हैं जिसको हम बोलते हैं टॉप, ठीक है। स्टैक सपोर्ट लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट फॉर डिलीटिंग एलिमेंट, यस डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, ये भी स्टेटमेंट सही हो गई, ठीक है। वो बोल रहा है इज नॉट ट्रू, तो ये भी, ये तो आपका ट्रू है, ये भी ट्रू है, ठीक है। लास्ट वाला देखें, स्टैक इज डायनामिक सेट वेयर एलिमेंट आर रिमूव्ड इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ द इंसर्शन, तो ये भी आपका ट्रू है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इस क्वेश्चन में, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था अनदर क्वेश्चन से, तो ये आपका नन ऑफ द अबव, ये वाला स्टेटमेंट आपका ट्रू नहीं है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, तो ये गलत ये गलत ये गलत, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लास्ट टू क्वेश्चन, लास्ट टू क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द ओएसआई मॉडल लेयर इज ऑल्सो नोन एज एंड टू एंड लेयर। देखिए ओएसआई मॉडल की यदि बात करें तो एंड टू एंड लेयर की यदि हम बात करेंगे तो वो आपकी कहलाती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट आपकी फोर्थ नंबर की लेयर होती है, यदि अपन यहाँ से स्टार्ट करें बॉटम टू अप, तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है, एंड टू एंड डिलीवरी के लिए काम होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का। नाउ लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में मैं कन्फ्यूज हो गया था, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा गलत ऑप्शन है इसमें। आइडेंटिफाई द पॉइंट दैट इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू अ क्यू, क्यू के रिस्पेक्ट में कौन से पॉइंट्स ट्रू नहीं है उनको आइडेंटिफाई करना है। डिलीशन फ्रॉम द क्यू हैपन ओनली एट द टेल ऑफ द क्यू। देखिए क्यू में ऑलवेज, ये मेरे पास में क्यू है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर में जब आप इंसर्शन परफॉर्म करते हैं तो आप इस एंड से करते हैं, दिस इज कॉल्ड द रियर एंड, ठीक है, और डिलीशन जब आप परफॉर्म करते हैं तो वो आप इस एंड से करते हैं, दिस इज कॉल्ड द फ्रंट एंड। बट यदि आप हेड और टेल की बात करेंगे तो ये आपका हेड हो गया और ये आपका टेल हो गया, तो इस एंड से हम डिलीशन परफॉर्म थोड़ी करते हैं। वो बोल रहा है डिलीशन फ्रॉम द क्यू हैपन ओनली एट द
एट द टेल ऑफ द क्यू. नो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. ठीक है. नाउ क्यू सपोर्ट फीफो ऑर्डर ऑफ रिमूवल ऑफ एलिमेंट. यस बिल्कुल सही है, ये भी सही है. ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, डिलीशन फ्रॉम द क्यू हैपन ओनली एट द एंड ऑफ टेल ऑफ द क्यू. ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, ये वाला सही है. अभी हमें देखना है कि कौन सा गलत है, बट यहाँ पे एक और गलत होगा. इंसर्शन इन क्यू हैपन ओनली एट द हेड ऑफ द क्यू, मतलब इंसर्शन के लिए वो बोल रहा है यहाँ से. नहीं, जब हम क्यू की बात करते हैं, हम सिंपल क्यू की बात कर रहे हैं, बेसिक्स की बात कर रहे हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया. ठीक है, तो ये दो ऑप्शन गलत हो गए. तो यहाँ पे जो यदि अपन देखेंगे, ये भी गलत, ये भी गलत, तो ए और डी बोथ ऑप्शन होना था, बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है. ठीक है, इसलिए ये आपका एम्बिगस, मतलब ये कह सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर एम्बिग्यूटी थी कि हम इसको भी गलत बोलें, इसको भी गलत बोलें, बट क्योंकि वहाँ पे तो ऑप्शन ये होगा कि वो ए की बटन लेगा ए बी सी डी में से. यदि ए ऑप्शन होगा तो ए लेगा, बी होगा तो बी लेगा, सी होगा तो सी. बट यहाँ पे क्या आ गया, ए भी ऑप्शन है, डी भी ऑप्शन है, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे ट्रू हो रहे हैं. दिस इज ऑल अबाउट दी अनदर 10 क्वेश्चन. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस दी अनदर पार्ट 3 ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल एंड प्रोग्रामिंग लॉजिक. थैंक यू सो मच.